हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस यूनिटेक और मैं हूं सुशील सिंह। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सीपीसी, सीटीआर, आरपीएम और एड इंप्रेशन क्या होता है गूगल एडसेंस में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप गूगल एडसेंस यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो भी अर्निंग है सारी की सारी डिपेंड होती है इन चीज़ों पर। तो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं सीपीसी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी नए अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले सीपीसी। तो सीपीसी क्या होता है? सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो एक क्लिक की कॉस्ट कितनी होती है ये होता है सीपीसी। तो रियल टाइम में देखते हैं, चलते हैं गूगल एडसेंस पे। तो ये हमारा गूगल एडसेंस है। अगर आप इनिशियल ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको जाना है डाउन और यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। तो व्यू मोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास परफॉर्मेंस खुल के आ जाएगा। यहाँ परफॉर्मेंस में हम देखते हैं लास्ट 7 डेज की देखते हैं परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीसी। तो ये सीपीसी है $0.02। तो ये होती है एक क्लिक की कॉस्ट। तो बेसिकली होता क्या है, सीपीसी की वैल्यू जितना हाई रहे उतना अच्छा होता है और अर्निंग उतनी ज़्यादा होती है कम से कम व्यू पे। और ये हाई कैसे हो सकती है? अगर आपका YouTube चैनल आउट ऑफ इंडिया या एशिया देखा जा रहा है तो उसकी सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि आपका चैनल यूरोप में देखा जा रहा है, आपका चैनल US में देखा जा रहा है, तो वहाँ की जो सीपीसी होती है, गूगल ये मानता है कि वहाँ जो भी व्यूअर होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। और जो इंडिया के व्यूअर होते हैं या फिर एशिया के व्यूअर्स होते हैं वो पेड हो सकते हैं या आप अपने वीडियो पर खुद ही क्लिक कर रहे हैं, बार बार एड पर जा जा के बार बार क्लिक कर रहे हैं, उसके थ्रू भी सीपीसी हाई हो जाती है। तो इंडिया के केस में या फिर एशिया के केस में सीपीसी लो होता है और आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ एशिया के केस में ये ज़्यादा होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने कम से कम व्यू पे उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। तो ये होता है सीपीसी। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है इंप्रेशन। नंबर ऑफ एड्स इज डिस्प्लेड ऑन वीडियोज़। तो ये क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास दिख रहा है पेज व्यू। तो लास्ट 7 डेज पे 9.85K। तो ये टोटल पेज व्यूज हुए हैं लास्ट 7 डेज में। कितने बार आपकी वीडियोस पे ऐड आई हैं वो होता है ऐड इंप्रेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल वीडियोस प्लेड हुई हैं 9850 टाइम्स और ऐड उनमें 3880। तो इतने बार ऐड आपके इस पे डिस्प्लेड हुआ है। तो ये होता है ऐड इंप्रेशन, कितने बार ऐड आपका डिस्प्ले होगा। इसके बाद होता है क्लिक्स। उन ऐड पे जो डिस्प्ले हुए थे 3880 उनमें से कितनी बार ऐड के ऊपर क्लिक हुआ है वो होता है क्लिक्स। तो ये आप यहाँ देख सकते हो 554। तो ये इतने बार क्लिक हुआ है। हमेशा पेज व्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐड इंप्रेशन की वैल्यू कम होगी, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपके वीडियो के ऊपर ऐड ही आए। ये वैल्यू कभी आ भी सकता है ऐड, कभी नहीं भी आ सकता है। तो ये वैल्यू हमेशा कम होगी। और ऐसा नहीं कि जितने बार आपका वीडियो चलेगा उतने बार आप उस पर कोई ना कोई क्लिक करेगा, तो उसकी क्लिक की वैल्यू हमेशा कम होती है। और गूगल ये मानता है कि अगर ये क्लिक की वैल्यू 10% या 15% अप टू 15% रहता है तब तो गुड होता है, अगर उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, अगला है CTR, क्लिक थ्रू रेट। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाई पेज व्यूज। तो ये क्या होता है, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं 554 और पेज व्यूज कितने हैं 9.85। अगर आप 554 को 9.85K से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये पेज CTR निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे 554 इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9850 से और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 5.62। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.62% आएगा। तो यहाँ पेज CTR पे आप देख सकते हो 5.62% है। तो इसकी वैल्यू, पेज CTR की वैल्यू अगर यहाँ पे 10% या 15% तक होती है तो गूगल ये कहता है कि ठीक है 10% 15% इज ओके। अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो उसे डाउट हो जाता है कि आपके जो क्लिक आ रहे हैं वो या फिर पेड हो सकते हैं या फिर आप अपने वीडियो पे खुद ही क्लिक कर रहे हो, वो जेन्युइन व्यूज नहीं होंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 15% से ज़्यादा ना हो। इसके बाद चलते हैं आगे।
और लास्ट में हम देखते हैं रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशंस, दैट इज आरपीएम। तो आरपीएम क्या होता है? तो आरपीएम होता है एस्टिमेटेड अर्निंग जितनी आपकी होगी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेज व्यूज मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो अभी मैं आपको एस्टिमेटेड अर्निंग इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए एक नई वीडियो डालूंगा मैं जिसमें एस्टिमेटेड अर्निंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उस चीज़ को हम अगर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेज व्यूज से और फिर मल्टीप्लाइड कर देंगे 1000 से, तो वो हमारे पास ओपन होके आएगा कि कितना आपका आरपीएम है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो $1.03 बन के आ रहा है। तो एस्टिमेटेड अर्निंग को हमने डिवाइड किया है पेज व्यूज से, तो हमारे पास जो निकल के आया है वो आरपीएम निकल के आ गया है पेज का। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन, दैट इज आरपीएम। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका है कि सीपीसी क्या होता है, एड इंप्रेशंस क्या होते हैं, सीटीआर क्या होता है और रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशंस क्या होते हैं। अगर आपको दोस्तों अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगर सीटीआर की वैल्यू 15% से ज़्यादा हो जाए तो कैसे उसको हम कम करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मेनी मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।